अस्सलाम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस टॉपिक से बात करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और स्टार्ट करने से पहले ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड होंगे वही कॉल करेंगे। प्लीज़ अगर इंटरेस्टेड ना हो तो प्लीज़ आप हमें कॉल ना करें। प्लीज़ आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं यूएई में हूँ और यूएई में बहुत सारी जॉब खुल कर आया है। आप जॉब कर सकते हैं और खुद से फाइंड कर सकते हैं। जितना होगा हेल्प मैं करूँगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आई है वो पैकिंग हेल्पर का और लोडिंग अनलोडिंग का काम है। यानी आप जहाँ पैक करेंगे उसको लोडिंग भी करना है और लोडिंग अनलोडिंग भी करना है। ये क्या चीज़ पैक करना है मैं बता रहा हूँ। ये एक ही कंपनी है जो कि तरह तरह के सामान पैक कराएगी और वो सामान आपको पैक करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे कपड़ा हो गया, फूड पैकिंग हो गया, शूज़ पैकिंग हो गया, उसको पैक भी करना है, उसको लोडिंग अनलोडिंग भी करना है। अब इसका कंडीशन मैं बता रहा हूँ, कंडीशन पहले जान लें। आपको 10 घंटे का ड्यूटी पे आपको 1100 दरहम मिलेंगे, प्लस आपको 1 घंटा का लंच होगा। यानी 11 घंटे का टोटल ड्यूटी होगा, 1100 दरहम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कंडीशन ये है कि फूड आपको सेल्फ रहेगा, इसमें एकोमोडेशन कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, रहने सहने की सारी कंपनी देगी। और इसमें वही अप्लाई करेंगे जो इंटरेस्टेड हो, और 20 साल से लेकर 35 साल के बीच आप अप्लाई करें, उम्र हो तो अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना स्कैन करके पासपोर्ट और फोटो भेजें और कॉलिंग नंबर भेजें। यहाँ से आपका इंटरव्यू होगा। यूएई से जो कंपनी में सिलेक्शन होगा वही बंदा इंटरेस्टेड मतलब आने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरी बात, पैकिंग हेल्पर का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, अगर इंटरेस्टेड हो तो बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो काम है, मस्जिद क्लीनर का काम है, मस्जिद क्लीनर का, ठीक है। मस्जिद क्लीनर का आपको अबू धाबी के लिए काम है और मस्जिद क्लीनर में आपको 800 दिरहम प्लस 200 दिरहम, मस्जिद क्लीनर में टिप्स ज़्यादा होता है। कंडीशन वही 20 से 35 साल, इसमें केवल मुस्लिम अप्लाई करेंगे, नॉन मुस्लिम अप्लाई नहीं करेंगे। पासपोर्ट और फोटो जो भी मतलब अप्लाई करना चाहते हैं मस्जिद क्लीनर में, और पैकिंग हेल्पर का, पैकिंग हेल्पर में मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों अप्लाई कर सकता है, लेकिन मस्जिद क्लीनर में केवल मुस्लिम अप्लाई करेगा। और मस्जिद क्लीनर का 800 दरहम प्लस 200 दरहम है और 10 घंटे की ड्यूटी है। आपको मैं बता दूँ, ये दोनों वैकेंसी अर्जेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करें, इंटरेस्टेड ना हो तो प्लीज़ अप्लाई ना करें, क्योंकि हमारा भी टाइम आपको नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि यूएई में आने के बाद आपको काम करना है, हार्ड लेबर करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मैं घर जाऊँगा, मुझे मन नहीं लग रहा है। पिछले वीडियो में सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान रखें। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर यहाँ काम करने आ रहे हैं तो काम के मोटो से आएँ। प्लीज़ वो इंटरेस्टेड लोग यहाँ कंटेक्ट करें, वरना कंटेक्ट ना करें। और जितने भी एजेंट हैं मैं उनसे ये इतना मतलब बता देना चाहता हूँ कि सैलरी जो बताया जाए वही सैलरी बताकर भेजा जाए, ताकि कैंडिडेट की परेशानी ना हो ना तो आपको परेशानी हो। कई दफ़ा क्या होता है कि कितने एजेंट के लड़के आए थे वो सैलरी बढ़ाकर बोले थे, जबकि प्रॉब्लम कैंडिडेट के होता है और एजेंट के होता है। अगर 800 दरहम है तो 800 दरहम ही बता के भेजें, क्योंकि कैंडिडेट रेडी हो तो भेजिए, रेडी ना हो तो ना भेजिए। ये चीज़ ध्यान में रखें, माइंड में रखें, क्योंकि बिजनेस किसी के ख़राब ना हो और कैंडिडेट भी आए तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आए, टाइम पास कैंडिडेट यहाँ ना आए, नहीं तो आपका पैसा टाइम दोनों नुकसान होगा। तो दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे यूएई का आप डायरेक्ट आपको कंसुलेट का ये एजेंसी का नंबर रहेगा, उस पर आप पासपोर्ट स्क्रीन कॉपी और फोटो भेज दें, वो इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपकी वीज़ा अप्लाई होगा। वीज़ा अप्लाई जब होगा तो आपको वीज़ा का फर्स्ट विजिट, वीज़ा विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है ये, आपको 10,000 वहाँ देना होगा वीज़ा के लिए, बिना सिक्योरिटी के नहीं होगा। अगर आपको सिक्योरिटी पैसे नहीं भेजने हैं तो फिर आपको दिल्ली ऑफिस पे जाना होगा, वहाँ पे पासपोर्ट जमा हो करना होगा। मेरे ऑफिस में नहीं, जहाँ एजेंसी की इनकी ऑफिस है वहाँ देना होगा, नहीं तो डायरेक्ट आप 10,000 रुपये देंगे, आपको वीज़ा दिया जाएगा, फिर टिकट भेजेंगे, फिर टिकट के पैसे देंगे, बाकी पैसे आपको यूएई में आके देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं भेजा लेता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।